Hello, my name is Divyanshi. I am 10 years old. I read in Surat school. I am in 5th class. I live in Patodi and my state is Haryana. जब मैं छोटी सी थी तब से मेरे को डांस का शौक चढ़ गया और साथ ही साथ मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। हर स्कूल के फंक्शन में मैं किसी न किसी पोजीशन पे आती हूँ, पढ़ाई में भी किसी न किसी पोजीशन पे आती हूँ और अगर हम शादी में जाते हैं तो वहाँ पे डांस करने लग जाती हूँ अगर वहाँ पे गाना बजता है तो। मेरी मम्मी पापा ने मेरे को डांस के लिए बहुत सपोर्ट किया। जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं डांस करने लग जाती हूँ। डांस मेरा फैशन है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और वो मुंबई में जॉब करते हैं। वो यहाँ पे नहीं है, मुझे देख नहीं पाते डांस करते हुए, पर जब मेरे को टीवी पे देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं। मैं खाना खाना भूल जाती हूँ पर डांस नहीं भूलती। डांस मेरा फैशन है, मेरा सब कुछ है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले जीत कर आऊँ और अपने परिवार का नाम रोशन करूँ। हेलो, मेरा नाम शीला है और दिव्यांशी वर्मा मेरी बड़ी बेटी है। ये बहुत इंटेलिजेंट है, हर एक्टिविटीज़ में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, स्कूल में बहुत अच्छी है एंड वैसे भी मेरे साथ बहुत हेल्पफुल है। ये बड़ी है तो अपने भाई बहनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है एंड डांस इसका फेवरेट है एंड ये सिंगिंग भी करती है। इसके पापा हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, मुंबई में जॉब करते हैं वो एंड कभी भी मतलब डायरेक्ट तो देख नहीं पाते हैं, साथ नहीं जा पाते हैं, वो छुट्टी नहीं मिलती उनको, बट देखते हैं जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, टीवी पे देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा प्रेज़ करते हैं कि हाँ मेरी बेटी इतनी आगे तक चली गई है, बड़ा अच्छा लगता है उनको भी। ये स्टार्टिंग से ही छोटी थी तो बहुत नोटी थी, ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद करती थी हर चीज़ के लिए कि हाँ मुझे जो करना है वो करना ही है इसको। स्टार्टिंग छोटी सी थी तभी से ये डांस करती है, किसी फंक्शंस वगैरह शादी वगैरह में जाती है तो अच्छे से डांस करती है, सब लोग प्रेज़ करते हैं कि बहुत अच्छा डांस कर रही है लड़की, बिना किसी के सिखाए इतना अच्छा कर लेती है ये और बड़ा होके एक दिन ये बहुत अच्छा मतलब नाम करेगी ये। हम KKSD का भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ मैं कि मेरी बेटी को एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो आगे बढ़ सके, अपने टैलेंट का और निखार सकती है उसमें और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है उसमें ये। मैं KKSD का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को प्लेटफॉर्म दिया है आगे बढ़ने के लिए। ग्रैंड फिनाले में ये जीत के आए और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करे, अपनी पूरी सिटी का नाम रोशन करे। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम पूनम है और मैं दिव्यांशी की बुआ हूँ। और दिव्यांशी बहुत ही शरारती है, बहुत ही नटखट है और बहुत अच्छा डांस करती है वो। और वो हमारे घर की स्टार है और शरारती भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मस्ती करती है बच्चों के साथ, मिल के सबसे ज़्यादा मतलब पूरे घर को उठा कर रखती है, शैतानी कर करके। लेकिन वही है, हमें बहुत प्राउड फील होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो डांस बहुत बहुत अच्छा करती है और हम चाहते हैं कि वो बहुत आगे जाए, एक सक्सेसफुल डांसर बने, बस हम यही चाहते हैं। दिव्यांशी बाकी एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छी है, बट ज़्यादा उसका पैशन जो है वो डांस की तरफ है। वो ज़्यादा डांस की तरफ ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत आगे देखना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो KKHD में इसके फिनाले में जाके और विनर बने। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है अगर वो उसमें विनर बनकर आएगी तो। हेलो, मेरा नाम सिमरन है। आंशी मेरी छोटी कज़न है, वो बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत मस्ती करती है, मुझे मारती है। हम दोनों के बीच में इतनी लड़ाई होती है मतलब बस पूछो मत। बट देन वो बहुत केयरिंग है, लविंग है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो मुझे खाना देती है, मुझे अपने हाथों से पानी पिलाती है। तो आई लव आंशी, बेस्ट आंशी, एंड आई नो कि तुम पक्का जीत के आओगे। दिव्यांशी बड़े होकर आलिया भट्ट जैसी बनेगी? नहीं नहीं, दिव्यांशी बड़े होकर करीना कपूर जैसी बनेगी? नहीं, आलिया भट्ट जैसी बनेगी? नहीं, करीना कपूर जैसी। आलिया भट्ट, करीना कपूर। अरे चुप हो जाओ, पहले एक बार बैठ के डिसाइड तो कर लो कि मैं आलिया भट्ट बनूंगी या फिर करीना कपूर। नहीं नहीं, हाँ। ये तो सिर्फ KKHD बताएगा। कभी कभी मैं जब फ्री होती हूँ तब मैं डांस करने लग जाती हूँ, मुझे डांट भी पड़ती है और मुझे बहुत मजा भी आता है। अच्छा, मेरा नाम है मीरो। नमस्कार जी। और मेरी देवती है ये, और बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा डांस करती है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छी लड़की है ये, बचपन से ही अच्छी है। अपने नाना के पास जाती है तो बहुत ज़िद्दी है ये, और बहुत डांस करती है कि मैं तो डांस करूँगी। और उसका नाना बोलता है कि बच्ची तू आल मत करे बेटा, मत आल करे। अगर नहीं नाना जी, मैं तो बहुत डांस करूँगी।
मेरा नाम लेखराम भगत है। दिव्यांशी वर्मा मेरी सबसे प्यारी पोती है। शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज और दूसरी एक्टिविटीज़ में स्पेशली डांस वगैरह में भी काफ़ी इम्प्रेस करती थी, घर वालों को भी और स्कूल में भी। अब जो है इसका जो डांसिंग प्रोग्राम हुआ था, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री तक ये गई और सेलेक्ट हुई। बहुत प्यारी है बच्ची, पढ़ने लिखने में तेज है और डांसिंग में बहुत इम्प्रेस करती है। मेरी हमेशा से यही तमन्ना रही है कि ये लड़की हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करे और अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। मेरा छोटा लड़का अजय सिंह जो दिव्यांशी का पिता है, वो बॉम्बे में नौकरी करते हैं, मगर उसकी जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके हम भेजते हैं तो बहुत खुश होता है। यही कामना करते हैं कि आगे बहुत आगे छा जाए और परिवार का नाम रोशन करें। हेलो, हाय, मेरा नाम नीलेश वर्मा एंड दिव्यांशी वर्मा मेरी छोटी बहन लगती है। एंड उसका डांस में इंटरेस्ट बचपन से ही था। सिर्फ डांस के अलावा वो डांस में अच्छी नहीं थी, उसकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्कूल के अंदर जो पढ़ाई वगैरह थी उसकी, उसमें भी उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा से है। जब से उसे हमने स्कूल में डाला है, वो उसी टाइम से जैसे कि कुछ ना कुछ अवार्ड्स वगैरह लेके आती रहती है, सर्टिफिकेट्स, नॉट इन डांस ऑल्सो बट क्लास टेस्ट एंड क्लास में जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है तो उसके अंदर। एंड जो जब वो डांस करती है तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। एंड जब भी हम अगर थोड़े हमारा बैड मूड भी होता है एंड उसका डांस देखते हैं तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है उसका डांस देख के। एंड उसके बाद काफ़ी टाइम से वो डांस करती सीखती आ रही है, उसने कहीं बाहर नहीं सीखा, उसने सब कुछ यूट्यूब पर सीखा है, तो उससे बहुत अच्छा वो डांस सीख चुकी है। एंड फॉर फर्दर अगर उसका अच्छा होता है तो हम उसको बाद में ट्रेनर से भी सिखाएंगे। किसमें कितना दम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देने जाएंगे जो ये प्लेटफॉर्म दे रही है हमारी छोटी बहन के लिए, जो अपना टैलेंट, अपना एक ऑन स्टेज में वो टैलेंट अपना टैलेंट सबको दिखा सकती है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा उनको। एंड मैं गॉड से भी प्रेयर करूँगा कि मेरी बहन जो है दिव्यांशी वर्मा एंड वो ग्रैंड फिनाले जीत जाए किसमें कितने दम का, एंड जिससे हमारा नहीं, जिससे उसका नाम नहीं, हमारा नाम नहीं, पूरे शहर का नाम हो एंड पूरे एरिया का नाम हो और हम सब पूरी फैमिली एक प्राइड हो जाएगी कि हमारी बहन एक शो जीती है जिसका नाम है किसमें कितना दम। Hello everyone, myself Anju Yadav, principal of Sura School Patodi. Our one of the student Divyanshi Verma, she got selected in the finale round of KKHD Kisme Kitna Hai Dam, which still going on telecast on DD Punjabi channel. So first of all, I just
वॉन्ट टू से थैंक्स टू मिस्टर वरुण बंसल जिन्होंने इतना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को दी और एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरी बच्ची को दिया सो दैट शी शोज़ हर टैलेंट ऑन आर नेशनल टेलीविजन. Divyanshi is not good in dancing and all. Apart from dancing, she just have participated in other activities also. Academics may be she is really very good. School ki jitni bhi extra co-curricular jo activities hoti hain, usme bhi she is very good. So I really want to wish her best of luck and I wish ki wo ek finale mein pahunch chuki hai aur ek trophy leke school ka aur team ka naam roshan kare. Thank you so much. Hi, I am Karuna Raghav. I am the part of Suraj Group of School. I am the class teacher of Divyanshi. Our school is in Gurgaon, Patodi. It is in state Haryana. We are happy to see that our student Divyanshi has been selected in Kisme Kitna Hai Dam. And she is a brilliant student in academics also. In sports also she is active and she is very cooperative with all the students. She is very helpful. And she always tried to be come first in the class in each and every field like sports, activity, in the class, in all the manners. She is very disciplined student also. And I'm giving her my best wishes that she could reach the final, she can win the trophy. All the best Divyanshi. Kisme kitna hai dam, kisme kitna hai dam, kisme kitna hai dam, Anshi mein hai dam. Thank you. जब मैं KKSG में गई तो मुझे कोई नहीं जानता था मेरे परिवार के अलावा. जब मैं KKSG में चली गई तब मेरे को सब जानने लग गए. Thank you KKSG.